दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे समित पात्रा साहब की। समित पात्रा साहब आजकल लगे हुए हैं अपनी पूजा करने में, लेकिन डॉक्टर कफील की जब बात आती है तो वो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिख करके कि साहब मुझे बाहर ले आइए, मैं सेवा करना चाहता हूँ, बिना पैसे के कोरोना वायरस के लोगों से लड़ना चाहता हूँ। एक झारखंड के और छत्तीसगढ़ के एक विधायक होते हैं डॉक्टर साहब, वो भी बोलते हैं अपने मुख्यमंत्री से आज्ञा लेते हैं कि साहब मुझे सेवा करनी है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो करेंगे, पीछे थोड़ी हटते हैं डॉक्टर कभी भी किसी मरीज के इलाज करने से, आगे लगे रहते हैं, लेकिन बशर्ते वो मरीज हो वाकई में। लेकिन यहाँ समित पात्रा, डॉक्टर समित पात्रा, पता नहीं कौन से डॉक्टर हैं, वो बस पूजा कर रहे थे। डॉक्टर समित पात्रा किसी सोशल आइटम पे नहीं दिखाई देते, कोई सोशल सर्विस नहीं करते, डॉक्टर समित पात्रा कहीं इलाज करते हुए नहीं दिखाई देते। उधर दूसरी तरफ कफील, डॉक्टर कफील जो हैं वो एक याचिका डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रांसफ़र कर देता है याचिका हाई कोर्ट में, और उसके बाद कोई कहानी नहीं मिलती। यहाँ जो सच्चा देशभक्त होता है उसको कोई जगह नहीं होती, यहाँ केवल सिर्फ सियासत होती है। सियासतों का पहाड़ देख लो कितना बड़ा होता है। यहाँ सियासतों में मौके तलाश किए जाते हैं, जब मौके ना मिलें तो यहाँ नाकामयाबियों को कामयाबियाँ करार दे दिया जाता है। ये एक भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है। दोस्तों डॉक्टर कफील अहमद वर्सेस डॉक्टर समित पात्रा, जो भी डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर जो हैं बस पूजा करने में व्यस्त हैं, जो अपने आप को अलग रखे हुए हैं, जिनके पास इतने सुरक्षा साधन हैं, वो कभी सेवा करते हुए नहीं दिख रहे कोरोना पेशेंट्स की। तो समित पात्रा ये राज भी हमको बता दीजिए, और गोदी मीडिया भी हमको ये राज बता दे कि समित पात्रा आजकल कहाँ गायब हो गए हैं। बोल रहे थे जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि मैं तो क्वारंटीन रहो, घर में रहो, तो बोले मैं घर में रहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे विधायक भी थे जो बोले हम इलाज करेंगे, तो कायर कौन, सच्चा देश प्रेमी कौन, किसको बोलेंगे सच्चा देश प्रेमी? समित पात्रा को या उन लोगों को जो बोल रहे हैं कि हमें कोरोना के पेशेंटों की हेल्प करनी है, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए सरकार उनको आज़ाद नहीं कर रही। अब ये पता नहीं कौन सा देशद्रोह का मुकदमा कफील अहमद पर लगा दिया गया है, जिस आदमी ने गोरखपुर में कितने बच्चों की जान बचाई ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा करके, उस पर बात नहीं करते समित पात्रा, उस पर बात नहीं करते। कितना निकम्मा व्यक्ति है समित पात्रा, जो केवल घंटी बजाता रहता है सिर्फ कोरोना से बचने के लिए, इलाज करने के लिए किसी सोशल या सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ अगर होता तो ज़रूर हेल्प कर रहा होता उन लोगों की जो लोग जा रहे थे दिल्ली छोड़ करके। लेकिन समित पात्रा सीरियस नहीं थे कोरोना वायरस के प्रति, शायद हो जाते तो निकल के आते और नंबर ज़्यादा बना लेते मोदी जी की नज़रों में, लेकिन अब तो वे कायर से ज़्यादा नज़र नहीं आते। समित पात्रा कफील अहमद के सामने कायर नज़र आए, तो इसमें मानने में कोई बुराई किसी को नहीं होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।